अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शबे बारात की नमाज किस तरह से आपको पढ़नी है। पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे और प्रैक्टिकल के साथ में बताएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दिल से इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये नमाज आपको 6 रकात पढ़नी है, 3 सलाम के साथ में, यानी कि 2-2 रकात की आपको नियत बांधनी है। नियत इस तरह से करनी है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शबे बारात की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर अपने दोनों हाथ कानों तक उठाकर नियत बांध ले। इसके बाद आप सना पढ़े, यानी कि सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका वतबारकस्मुका वताला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। इसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। सुरह फातिहा 1 मरतबा पढ़े, सुरह इखलास 1 मरतबा पढ़े। रुकू और सजदे आम नमाज की तरह करके 2री रकात के लिए खड़े हो जाए। 2री रकात में आप सुरह फातिहा के बाद में सुरह इन्ना अनजलना 1 मरतबा पढ़े और 2री रकात के भी रुकू और सजदे मुकम्मल कर लें और सलाम फेर कर अपनी नमाज मुकम्मल कर लें। इस तरह से आपकी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो जाती है, बाकी की 4 रकात भी आप 2-2 रकात करके मुकम्मल कर लें। जब आपकी 6 रकात नमाज कंप्लीट हो जाए तो नमाज की जगह पर बैठकर 70 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े और अल्लाह ताला से अपनी जायज और नेक हाजतों के लिए दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। दोस्तों, नमाज का तरीका आपने सीख लिया, अब और मुसलमानों तक इसे शेयर करके जरूर पहुंचा दे ताकि तमाम मुसलमान ज्यादा से ज्यादा लोग इस रात को इबादत में गुजार सके। मिलते हैं अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना।